शिवानंद जी बोलिए। मेरे मित्र बीजेपी के प्रवक्ता जी को बोलना चाहता हूँ, जैसे उनके देवेंद्र फडणवीस जी के इलेक्शन होने के बाद जो प्रक्रिया आया, उनका बात उनके चेहरे से पता होता है वो तो कैसे क्या किया है, नहीं तो वो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स है। अरे मेरे हिसाब से इधर 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 सुनिए बीजेपी प्रवक्ता जी, मैं बात कर रहा हूँ, आप बोल दो, मैंने कुछ नहीं बोला। आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी अजीत दादा पवार के बारे में मध्य प्रदेश में क्या बोला था, दूसरा दिन उसको डीसीएम बनाया। अभी अभी अजीत दादा पवार को एकनाथ शिंदे जी को यूज करके लिया तुम लोगों ने। मराठा आरक्षण मुद्दा हो, लिंगायत समाज आरक्षण हो, धनगर समाज आरक्षण हो, कुछ भी विकास की बात नहीं, बेरोजगार बढ़ गया है, महाराष्ट्र के उद्योग धंधा सब गुजरात जा रहे हैं। आपको आप हमेशा कोई भी देखिए हरियाणा में चौताला चौताला जो को खत्म कर दिया बीजेपी ने, आसाम में नवीन पटनायक को फिनिश कर दिया, ओडिशा उद्धव ठाकरे जी 25 साल तो बीजेपी के साथ जुड़ के थे उनको भी फिनिश कर दिया, इसमें मैं ये समझना चाहता हूँ कि जिन जिन का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें बीजेपी ने क्या किया ऐसा कि उसने खत्म कर दिया, बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया? अभिषेक जी सीबीआई ईडी इनकम टैक्स मिसयूज करना, ब्लैकमेलिंग करना, लोगों का प्रतिपक्ष नेताओं को तकलीफ देना। आप इलेक्शन में देखिए उद्धव ठाकरे जी का 3-3, 4-4 बार हेलीकॉप्टर चेकिंग हो गया। तो ये आरोप आप लालू यादव के लिए भी लगाते हैं, लालू यादव कहाँ साथ आ गए? देखिए लालू यादव कहाँ साथ आ गए? हेमंत सोरेन के लिए आप आरोप लगाते हैं, हेमंत सोरेन कहाँ आ गए? अभिषेक जी देखिए गरीब दलित पिछड़ो इनके पीछे पड़ के तकलीफ देना मुसीबत ला। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी 10 साल केंद्र में बैठे हैं, क्या कर रहे, मणिपुर जल रहे इधर, ऐसा ऐसा कौन सा महाराष्ट्र में काम किया है उन्होंने? शिवानंद जी प्रगति के बाद इन्होंने अभिषेक की सुनी है, मणिपुर जल रहे आप विषय से विषयांतर होंगे तो फिर मैं क्या बोलूंगा? अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है ना, 4 दिन आए हुए, रिजल्ट हुआ है, क्यों नहीं गया अमित शाह जी, क्यों नहीं गया? अरे फिर सर नरेंद्र मोदी जी विषयांतर आप क्यों हो रहे हैं, विषयांतर क्यों? अभिषेक जी महाराष्ट्र के उद्योग धंधा देखिए, महाराष्ट्र की जनता ने आपको क्या बोला है, महाराष्ट्र की जनता ने 3 दिन पहले आपको मैंडेट क्या दिया है? देखिए अभिषेक जी मैं इसमें सहमत नहीं हूँ, हम इसमें हम चिंतन करके पूरा प्रूफ के साथ हम पूरा रोड पे उतरेंगे, पूरा कांग्रेस राष्ट्रवादी शरद पवार गुट शिवसेना उद्धव गुट समाजवादी पार्टी अखिलेश जी आम आदमी पार्टी सब मिलके हम मीटिंग लेके हम पूरा रोड पे उतरेंगे, जनते में जाएंगे। ठीक है, मतलब रिजल्ट आपको स्वीकार्य नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अभिषेक जी और आज भी एकनाथ शिंदे जी को सीबीआई ईडी के प्रेशर के दबा के उनको चुप बिठाया, उनको यूज किया इलेक्शन के काम में, अजीत पवार को भी क्या मतलब आपके पास क्या कोई सबूत है तो सामने दीजिए। सर मीडिया के माध्यम से पता हो गया है, झूठ बोल रहा सामने आप देखिए अजीत पवार गुट के प्रवक्ता है, अजीत पवार गुट के प्रवक्ता है, वो साफ कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब आपके नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है आपके आपके आरोप है, अगर इसके सबूत है तो सामने रखिए ना। अभिषेक जी 8.5 साल अजीत दादा पवार डीसीएम थे हमारे कांग्रेस के साथ, शिवसेना उद्धव गट के साथ। आप इधर उधर अगर जाएंगे तो आप बताइए, आप कुछ ने काम किया? अरे अगाड़ी के साथ थे ना, सीबीआई के अगाड़ी के साथ थे सर, दिल्ली में आप अरविंद केजरीवाल के साथ कैसे थे? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ थे, पंजाब में साथ नहीं थे सर, ये सब इतिहास में मत जाइए सर। ईडी इनकम टैक्स के